आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, FIIs DIIs का एक्शन कैसा रहा। FIIs ने की है बिकवाली कैश मार्केट में करीब 2301 करोड़ की, वहीं वायदा बाजार में FIIs की बड़ी खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखा है 8146 करोड़ का, और कैश मार्केट में DIIs की तरफ से 1368 करोड़ की खरीदारी होते हुए दिखी है। तो एक अच्छी बड़ी खरीदारी वायदा बाजार में FIIs कर रहे हैं, कैश मार्केट में DIIs की खरीदारी है और FIIs की कैश मार्केट में हमने बिकवाली देखी है। तो क्लियरली अब ये संस्थागत निवेशकों के आंकड़े हैं, विदेशी बाजार के संकेत हमने जाने जो कि फिलहाल चिंताजनक नजर आ रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट की खबरों के चलते। लेकिन आज भारतीय बाजार के लिए क्या कुछ अहम होने वाला है, भारतीय बाजार में कौन सी खबरें हैं जिस पर हमें नजर रखनी है, खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स, सब कुछ लेकर वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले कल वोडाफोन का नंबर था, आज भारतीय एयरटेल का नंबर है, क्योंकि जो बढ़ी हुई दरें भारतीय एयरटेल की वो आज से लागू हो जाएंगी। तो कल से वोडाफोन महंगा हुआ, आज से एयरटेल महंगा हो जाएगा, टेलीकॉम। हाँ, टेलीकॉम। तो ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहले तो ट्रिगर है। इसके अलावा टासन्स प्रोडक्ट, यहाँ पे आज लिस्टिंग होने वाली है। आपको याद होगा इश्यू प्राइस जो है इस कंपनी का 662 का है, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, करीब 77.5 टाइम्स जो है इस कंपनी का IPO सब्सक्राइब हुआ था। MRPL ONGC के साथ मर्जर में के लिए आज बोर्ड की बैठक होने वाली है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। गोल्डम इंटरनेशनल बायबैक 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुलने वाला है, बायबैक का प्राइस जो है 1200 रुपये प्रति शेयर का है, तो इसके लिए इस काउंटर पे भी नजर रखिएगा। और हाँ, US के बाजार आज बंद रहेंगे, आधे दिन के लिए खुलेंगे, ये तो आपको दीप बता ही चुके हैं। अब जो FNO में होने वाले स्टॉक्स है उनकी लिस्ट और बढ़ने वाली है, क्योंकि वायदा बाजार में और दो स्टॉक शामिल होंगे, एक तो AB कैपिटल, दूसरा हनीवेल ऑटोमेशन। जनवरी की सीरीज से वायदा बाजार में ये दोनों स्टॉक्स जो है वो शामिल होने वाले हैं, तो यहाँ आपकी खास नजर होनी चाहिए।